एयरफोर्स ब्राजील का 22% इथेनॉल एयरफोर्स में फाइटर जेट में डाल रहा है। हमारे हमारे अभी पानीपत में इंडियन ऑयल, हम लोग उनके पीछे लगते थे, अभी प्लांट चालू हो गया। परली जो जलती थी, इस बार देखना है मुझे विंटर में, अब परली जलती नहीं, परली में वैल्यू एडिशन हुआ। अब परली से वो 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाते हैं, 150 टन बायो बिटुमिन बनाते हैं, और वो अब बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे देश में हमने पॉलिसी अब स्वीकार की है कि हम 8% बायो एविएशन फ्यूल हम एविएशन फ्यूल में डालेंगे। और आपको बताता हूँ, सुदर्शन जी वहाँ तक सीमित थे, अब आगे देश गया। अब आने वाले 2 साल 3 साल के बाद कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलेंगे, वो दिन अब दूर नहीं है। और आप एक ये स्वदेशी स्वावलंबन की सबसे बड़ी बात है कि 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। मैं अभी, मुझे लोग पूछते हैं आप इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बोल रहे हैं, मिथेनॉल बोल रहे हैं, इथेनॉल बोल रहे हैं, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी सबको बोल रहे हैं, तो क्या होगा? मैंने बोला आप चिंता मत करो, आप सब में कितना भी दम हो के आप करेंगे तो भी 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा। क्योंकि गाड़ियों की संख्या, ऑटोमोबाइल की ग्रोथ इतनी बड़ी हुई कि जब मैं मंत्री बना, ये मेरे पास ही डिपार्टमेंट है, तब 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, आज 12.5 लाख करोड़ की हुई है। पहले मैं हम 7वें नंबर पे थे, यही आत्मनिर्भर भारत है, यही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। आज हम 3रे नंबर पर है, 2 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर भारत और चौथे पर अब जापान। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।